पिछले दिनों भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रवि अश्विन रहे। रवि अश्विन ने 24.81 की एवरेज से 26 अंग्रेज बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, लेकिन यह सीरीज रवि अश्विन के लिए आसान नहीं रही। राजकोट टेस्ट के बीच में रवि अश्विन को चेन्नई जाना पड़ा। उस वक्त ऑफ स्पिनर की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। अश्विन ने कहा, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ही मैं 500 विकेट लेना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकोट के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन तक का इंतजार करना पड़ा। 500 विकेट के बाद जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद घर लौटना पड़ा। फिर चौथे ही दिन उन्होंने वापस टीम ज्वाइन कर खेलना भी शुरू कर दिया था। आगे अश्विन ने कहा, मुझे घर से किसी का भी कॉल नहीं आया। मुझे लगा शायद वो इंटरव्यू देने में बिजी होंगे। मैंने करीब 7 बजे अपनी पत्नी को फोन किया। उन्होंने कहा कि माँ का सरदर्द होने के बाद वह जमीन पर गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूँ। मैं अपने रूम में गया और रोने लगा। रोहित और राहुल भाई को किसी ने मेरे माँ के बारे में बताया। दोनों मेरे रूम में आए। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा था। अगर गेम बीच में छोड़ता तो हमें 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता। इंग्लैंड की पकड़ मुकाबले पर और मजबूत हो जाती। अश्विन बोले, दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी और मैंने घर लौटने का मन बना लिया। मैं फ्लाइट ढूंढने लगा लेकिन मुझे नहीं मिली। तब रोहित ने कहा कि कुछ मत सोचो और अभी यहाँ से निकलो, मैं चार्टर्ड प्लेन का अरेंजमेंट करता हूँ। साथ ही अश्विन ने चेतेश्वर पुजारा का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने किसी तरह अहमदाबाद से चार्टर्ड फ्लाइट बुक कराई। अश्विन ने यह भी बताया कि रोहित ने टीम के फिजियो कमलेश को उनके साथ भेज दिया। अश्विन ने बताया, मैंने कमलेश को टीम के साथ ही रहने के लिए कहा, लेकिन रोहित ने उनसे कहा कि अश्विन के साथ रहना और उनका ध्यान रखना। अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा बेहद साफ दिल के सुलझे हुए इंसान है। अगर किसी ने 5 बार IPL टाइटल जीता है, भगवान किसी को आसानी से इतना कुछ नहीं देते। रवि अश्विन ने आगे कहा कि रोहित शर्मा को जितना कुछ मिला है उससे कहीं ज्यादा उसको मिलना चाहिए। भगवान उसे जरूर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे स्वार्थी समाज में किसी और के हित के बारे में सोचने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। रोहित शर्मा ऐसे इंसान है। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद रवि अश्विन ने अंग्रेज बल्लेबाजों को राहत की सांस नहीं लेने दी। दरअसल रवि अश्विन अपने YouTube चैनल पर बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर और इस वाक्य पर अपनी बात रखी। बहरहाल सोशल मीडिया पर रवि अश्विन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स रवि अश्विन के इस वीडियो पर लगातार कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अब इस पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।